आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पिछड़ा वर्ग के सामान्य परिवार से आते हैं और इसलिए राजा महाराजा उन्हें परेशान कर रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पन्ना आए श्री चौहान ने जिला मुख्यालय पर संवाददाताओं से चर्चा के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश अंधेरों का प्रदेश बन गया था। कांग्रेस के मित्र इसका जवाब दें कि उन्होंने प्रदेश को बीमारू राज्य क्यों बना दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकाल में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बदहाल बना दिया था। आज करगिल विजय दिवस की 19वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये दिन 1999 में करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय और देश के लिए प्राण निछावर करने वाले सैनिकों की याद में मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 में भारत ने ऊंचे इलाकों की उन सभी चौकियों की कमान सफलतापूर्वक हासिल कर ली थी जिन पर पाकिस्तानी आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया था। करगिल विजय दिवस के 3 दिन के समारोह मंगलवार को जम्मू कश्मीर के करगिल नगर में द्रास युद्ध स्मारक में शुरू हुए थे। पहले दिन स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कल इस युद्ध में शामिल सैनिकों ने एक कार्यक्रम में अपने अनुभव साझा किए। पुष्पांजलि अर्पित करने का मुख्य समारोह आज हो रहा है, वहीं प्रदेश में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज भोपाल के शहीद भवन में श्रद्धांजलि समारोह और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं इंदौर में जवानों की स्मृति में वृक्षारोपण किया जा रहा है। प्रदेश की स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाई गई सामग्री के प्रदर्शन और विक्रय के लिए राजधानी भोपाल में 27 जुलाई से 4 दिवसीय तेजस्विनी हाट का आयोजन किया जा रहा है। वित्त एवं विकास निगम ने तेजस्विनी हाट का आयोजन शहर के डीबी सिटी मॉल में किया है। इसमें स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा उत्पादित और निर्मित सामग्री का प्रदर्शन और विक्रय होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। केंद्र सरकार ने बाल स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हर साल सितंबर में राष्ट्रीय पोषण माह मनाने का फैसला किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में दिल्ली में भारत की पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की दूसरी बैठक में ये फैसला किया गया। बैठक में पोषण अभियान के अंतर्गत चालू वर्ष 2018-19 में 32 नए जिलों को शामिल करने की स्वीकृति दी गई। शहरी आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों और मलिन बस्तियों में आंगनवाड़ी केंद्र बनाने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार 29 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। लोग अपने विचार और सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV के ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। वहीं टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करके हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। पन्ना जिले में 36,000 घरों को शुद्ध पेयजल के लिए नल कलेक्शन दिया जाएगा। जिले के पवई और शाहनगर विकासखंड के 158 गांवों के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 211.32 करोड़ की लागत से ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना का शिलान्यास किया गया। इस योजना से क्षेत्र के लगभग 36,000 घरों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मौसम केंद्र भोपाल ने आगामी 24 घंटों के दौरान श्योपुरकला, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, कटनी, अनूपपुर, पन्ना और दमोह जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, रीवा, जबलपुर, शहडोल, सागर और चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले के राजमहल किले स्थित प्राचीन राम जानकी मंदिर से बीती रात अज्ञात चोरों ने सोने का कलश चुरा लिया। कलश 50 किलो वजनी बताया जा रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद उपभोक्ताओं के लिए समय समय पर कई तरह की जानकारियों की जरूरत होती है, जिसे लेकर नरसिंहपुर में जीएसटी कार्यालय का शुभारंभ जबलपुर कमिश्नर पीके अग्रवाल ने किया। रायसेन में मिल बाचे मध्यप्रदेश अभियान के प्रथम चरण का आयोजन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि 7 अगस्त को किया जा रहा है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद जिला खंडवा के तत्वावधान में आज गुरु पूर्णिमा कबीर स्मृति प्रसंग का आयोजन स्थानीय बीएड कॉलेज में किया जा रहा है।
भिंड जिले में भारी बारिश के मद्देनजर प्रायमरी और मिडिल स्कूलों में आज अवकाश घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।